नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं एक न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो दोस्तों हम फिर आ रहे हैं एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और न्यू लेटेस्ट वैकेंसी के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम इसी तरीके से जो भी नया वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो यहां पर वैकेंसी है दोस्तों, यहां पर देख लीजिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर निकली हुई है वैकेंसी। सभी राज्य के महिला पुरुष सभी कैंडिडेट कर सकते हैं इसमें अप्लाई। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं पूरी जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पर 198 पोस्टें यहाँ पर निकली हुई हैं क्लर्क की पोस्टें, 198 पोस्टें निकली हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, तो इसका देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, बाकी अदर जानकारी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बाकी अदर जानकारी सारी देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा पूरा नोटिफिकेशन, कहां किस किस पेज पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स, डेट में देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो पब्लिशन हुआ था वो हुआ था न्यूज़पेपर में 3 मार्च 2019 को। फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं 9 अप्रैल 2019 से, और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों यहाँ पर दी गई है 15/5/2019, 15 मई इसकी लास्ट डेट दी गई है 2019। यहाँ पर 12 बजे तक रात्रि तक आप भर सकते हैं, और फीस भरने की भी दोस्तों यहाँ पर 15 मई 2019 ही लास्ट डेट है। यहाँ पर जो CVT पेपर होगा, टाइप टेस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CVT पेपर होगा, वो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड तीन स्टेप में आपके पेपर होना है, तीन फेज में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है। वो डेटें अभी नहीं आई हैं, जैसे ही आएंगी वो आपके लिए सूचित कर दिया जाएगा। चौथे में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल मेजरमेंट, इसके बाद होगी आपकी ज्वाइनिंग। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर बाकी अदर जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो 198 पोस्टें हैं उनको किया है कैटेगरीज बाय डिवाइस। तो यहाँ पर देख लीजिए, डिवाइड जो किया गया है, यहाँ पर जनरल कैंडिडेट को मिलती है यहाँ पर 66 पोस्ट हैं, SC कैटेगरी को मिलती है यहाँ पर 32 पोस्ट हैं, BC ये मतलब OBC कैंडिडेट हो या BCA यहाँ पर कैंडिडेट को मिलती हैं यहाँ पर 26 पोस्ट हैं, BCBB कैटेगरी में यहाँ पर हैं 14 पोस्ट हैं, EWS कैंडिडेट को इकोनॉमिकली बी का सेक्शन कैंडिडेट को यहाँ पर मिलती हैं 18 पोस्ट हैं। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, अदर स्टेट का जो भी कैंडिडेट फाइट करेगा, अप्लाई करेगा, वो करेगा यहाँ पर जनरल कैटेगरी से। देख लीजिए, जनरल अनरिजर्व जनरल कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट, रिजर्व कैटेगरी पर्सन ऑफ देयर अदर देन हरियाणा स्टेट। आप हरियाणा के बाहर के राज्य के निवासी हैं तो आप करेंगे यहाँ पर जनरल से फाइट। यहाँ पर बाकी जो एज रिलैक्सेशन कैटेगरीज वह रहेगा, वो रहेगा ओनली ऑन SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, यहाँ पर इनको रहेगा केवल और केवल हरियाणा कैटेगरी, हरियाणा के निवासियों के लिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं बाकी अदर जानकारी। यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड को भी यहाँ पर मिलती हैं 2 पोस्ट है, फिजिकल एंड विजुअल है, हेयर है, डम्ब है, यहाँ पर सारी कैटेगरी को यहाँ पर मिल जाएंगी ये पोस्ट हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वैसे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप पढ़कर देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी को दोस्तों यहाँ पर लगना है 1200 रुपये की फ़ीस। एग्ज़ाम फीस देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 1200 रुपये लगना है जनरल के लिए। SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पर देख लीजिए, SC ST मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर लगना है 300 रुपये, और फीमेल ऑफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर, महिला कैटेगरी जनरल को लगना है यहाँ पर 600 रुपये, बाकी ऑल कैटेगरी SC ST महिला पुरुष को लगना है यहाँ पर 300, और मेल फीमेल फिजिकल हैंडीकैप्ड को यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगना है। कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, तो यहाँ पर उनको कोई भी चार्ज नहीं लगना है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको एजुकेशन, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एज लिमिट देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए है यहाँ पर 18 से 50 साल। बाकी जो एज रिलैक्सेशन रहेगा वो सरकारी नियम अनुसार SC ST को 5 साल, OBC को मिलेगा यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन। यहाँ पर देख लीजिए पेमेंट देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर है 19,900 से 63,200, वेतन लेवल 2 के अनुसार। यहाँ पर एज 18 से 50 साल है,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए पास आउट, साथ ही दसवीं में आपने पढ़ाई की हो हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट के साथ, जो सभी कैंडिडेट यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। 10th 12th BAMA विथ हो ऑन सब्जेक्ट ऑफ हिंदी, हिंदी के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए आपको होना चाहिए कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज में आपको विंडो है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सारे एमएस ऑफिस के जो भी जितने फंक्शन है वो आपको चलाना आना चाहिए, इंटरनेट चलाना आना चाहिए, ईमेल मैनेजमेंट आना चाहिए आपको। साथ ही दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश की कन्वर्ट विद इक्विवेलेंट ऑफ डिप्रेशन, दोस्तों यहाँ पर आपको इंग्लिश की टाइपिंग मांगी गई है, वो भी नॉलेज होना चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट का, यहाँ पर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट यहाँ पर ये आपका जो CBT एग्ज़ाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है, वो यहाँ पर देख लीजिए आपको इस तरीके से ये आपका पेपर का सिलेबस रहेगा, 100 मार्क्स का यहाँ पर सिलेबस रहेगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ से मिल जाएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज जो भी है यहाँ पर सारे फेज की आपको जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर, कितने मिनट का कौन कौन सा पेपर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना दोस्तों, ताकि हम इसी तरीके से जो भी नया वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये मिल जाएगा आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी इसको आप डाउनलोड कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।